नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय सिंह और आप देख रहे हो मेरा चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास आईफोन हो या फिर वन प्लस का फ़ोन हो या फिर आपके पास कोई नॉर्मल फ़ोन हो तो आपकी किस केस में ज़्यादा इज्जत होगी। तो आपको बता दें, इस चीज़ को मटेरियल चीज़ों को देखने के लिए दो पर्सपेक्टिव होते हैं। वो दो पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वेल सेटल्ड हैं और अपने आप कमाते हैं तो आप चाहे आईफोन रखो चाहे नोकिया का 3310 फोन रखो, आपकी लोग इज्जत करेंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आप एक थार लेते हो, अगर आपका बैकग्राउंड थार के लायक है तो आप पर थार सूट करेगी और लोग आपको इज्जत देंगे। वरना आप ऐसे बहुत से लोगों को देखोगे जो केवल दिखावे के लिए चीज़ लेते हैं और उनका बैकग्राउंड उस लायक नहीं होता है। पहले तो वो थार खरीद लेंगे, बाद को डीएड डलवाने के भी पैसे नहीं होंगे, तो ऐसे दिखावे का क्या करना। तो ऐसे लोगों को इज्जत की जगह पीछे गालियां पड़ती हैं। और उसी अगर उसी के केस को रिप्लेस कर दिया आईफोन के साथ या वन प्लस के साथ, तो आपकी इज्जत तभी होगी जब आप अपने कमाई से आईफोन लो, वन प्लस लो, सैमसंग की लेटेस्ट सीरीज का फ़ोन लो या फिर कोई भी नॉर्मल फ़ोन लो। अगर आप अपनी कमाई से लेते हो तो लोग आपकी डेफिनेटली इज्जत करेंगे। अगर आपको इज्जत पानी है सच में टीनेजर में, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आराम से चाहे वन प्लस लो, चाहे थार लो, चाहे हेलीकॉप्टर खरीदो, चाहे ट्रेन खरीद लो, आपको लोग इज्जत देंगे। उस नंबर दो पर आ जाए दिखावा। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे टीनेजर हैं मेरी एज के जिन्होंने अपने पापा से पैसे लेकर कैसे भी करके आईफोन या कोई भी ब्रांडेड चीज ले ली है। अब उनके पास खुद की तो कोई इमेज है नहीं, तो वो उसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। जैसे आईफोन, वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास आईफोन होगा या कोई भी ब्रांडेड चीज़ होगी तो लोग मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से इज्जत देंगे। तो आप पहली बात ये समझिए कि इज्जत आपकी नहीं हो रही, उस पर्टिकुलर चीज़ या ब्रांड की हो रही है। तो उसमें आपका क्या रोल है? एक बार MBA वाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके पिता ने अगर आपको आईफोन दिलवा दिया या आपने आईफोन ले लिया टीनेज में, तो आपने उसमें क्या किया? बनाया आईफोन किसी और ने, बेचा किसी और ने, खरीदवाया तुम्हारे पापा ने या मम्मी ने, तुमने उसमें क्या योगदान किया है? तो इसीलिए टीनेज में अगर आप दिखावे के लिए कोई चीज़ करते हो तो आपको उससे घंटा इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आप माँ बाप के पैसों को छोड़कर अपने दम पर कुछ लेके देखो। आप चाहे सुई भी लेना अपने दम पर, तो वो लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो आइए इसके कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरी आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप अगर फाइनेंशियली फ्री हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, तो चाहे आप आईफोन लो, थार लो, कुछ भी लो, कुछ भी आप दुनिया की चीज़ ले लो, आपके लोग इज्जत करेंगे। अगर आप अपने दम पर ले रहे हो, अगर आप माता पिता के दम पर ले रहे हो, तो लोग आपको घंटा इज्जत नहीं करेंगे बल्कि पीठ पीछे गालियाँ भी देंगे और आप भी देते होंगे जो लोग आपके सामने दिखावा करते हैं। तो पहले आप ये सोचिए कि जब आप लोगों को गालियाँ देते हो तो आप दिखावा करोगे तो आपको लोग फूल माले तो पहले नहीं आएंगे बल्कि आपको भी गालियाँ पड़ेंगी। तो इसीलिए कुल मिलाकर बात ये है कि दिखावा भैया ज़्यादा मत करो, और ख़ासकर कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही मत दिखाओ। अभी आपकी इज्जत ही क्या, आपकी औकात ही क्या, आप खा रहे मम्मी पापा के पैसों का, पी रहे मम्मी पापा के पैसों का, आप दिखा रहे हो कि मेरे पास ये ब्रांड का फ़ोन है, मेरे पास ये ब्रांड की ये चीज़ है। तो भाई आपका उसमें क्या है? आपने कमाया नहीं, कुछ नहीं, तो आपका उसमें क्या हो गया? और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये फेक ईगो, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने कहा कि ईगो इज़ द मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड। आपका ईगो अहंकार क्या है? आपकी ईगो हर्ट हो गई, आप किसी को कुछ बोल देते हो। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेफिजूल की चीज़ है। तो इसलिए ईगो को मत पढ़ाइए ज़्यादा, ना ईगो को हर्ट करवाइए, ना ईगो रखिए। बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मेरा नाम तो निर्भय सिंह यादव और आप अपडेट देख रहे थे मेरे चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों, ये वीडियो पर्टिकुलर मैंने यूट्यूब के लिए नहीं बनाई थी। इस वीडियो में ये मेरा ही क्वेश्चन था, पर्टिकुलरली मेरा ही क्वेश्चन था, और मैं जब मैंने पेपर से सर्च किया तो मुझे इसका यही रिलेटेड आंसर मिले, तो मैंने आप सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हैं और भी काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो खुद के मेरे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।